मेरा सरकार से निवेदन नहीं है, आदेश है। सरकार हमें परमानेंट करे, अभी करे, जस्ट करे, क्योंकि निवेदन करते हमें 3 महीने हो गए, बहुत संघर्ष कर लिया और हमें दिख रहा है हमारा भविष्य क्या है, हमारे पेट की आ गए। हम आपको नाटक के द्वारा भी दिखाएंगे मीडिया वालों को कि हम क्या क्या बेइज्जती फेल करते हैं, क्योंकि पर्यटक को जब हम हायर करते हैं पीछे पीछे भगना पड़ता है। कई बार उस लाइसेंस को लेके मुझे लगता है कि भिखारी का लाइसेंस ही मुझे दिया है या इन युवाओं को दिया है, और 7.5-10 लाख वोटों को और हम 6 करोड़ जनसंख्या को कवर करते हैं और हम करेंगे राजस्थान में। बिल्कुल सरकार दोबारा नहीं आएगी अगर आचार संहिता से पहले पहले, आपके चैनल से गए माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आचार संहिता से पहले पहले मुख्यमंत्री ने हमारे लिए नहीं सोचा तो उनको भुगतान भरना पड़ेगा और उनके हार जीत का फैसला भी हम सुनाएंगे और उनको पता चल जाएगा हमारी ताकत क्या है, युवाओं की ताकत क्या है। ये पेट की भूख बोल रही है, क्यों हमारे को क्या हमारे बच्चे नहीं है, हमारे भूख नहीं है, हमारे पेट नहीं है, हमारे बच्चों की सुरक्षा पेंशन नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमें क्या समझाया आपने ये शपथ पत्र लिखवा करके, ये बताइए मुझे, बेवकूफ समझाया हमें। हम कानून भी जानते हैं और इंसानों के लिए कानूनों में हर बार संशोधन हुए हैं। हम विनती नहीं कर रहे, हम आपको आदेश दे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आप हमें सरकार, अगर अपनी सरकार देखना चाहते हो तो राजस्थान सरकार को अभी परमानेंट करना पड़ेगा और हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, देख लेंगे हम आपके पुलिस वालों को भी देख लेंगे, क्योंकि कानून आपके पास है, कानून लोकतंत्र का है, अधिकार हमारा भी है, बच्चे हमारे भी है। आपको तो ऐसा आराम चाहिए, एसी चाहिए, और उस मजदूर आदमी का क्या, उस किसान के बेटे का क्या, उस फौजी का क्या, अपने धरातल पर रहने वाला कोई काम नहीं किया आज 5 साल की सरकार में। मेरे को बताओ एक भी धरातल पर अगर काम हुआ हो तो मुझे बताओ। जहाँ भी जाती हूँ शिकायतों का प्रमाण मिलता है। मैं एक मानव अधिकार कार्यकर्ता भी हूँ PUCL से, जो 19 साल से कार्यरत हूँ कविता श्रीवास्तव के साथ, और हम हर दिन क्यों करना पड़ रहा है ये नाटक, ये धंधा बताइए मुझे, और अभी नाटक दिखाएंगे हम आपको। अगर इंसान होंगे और सरकार इंसान होगी तो आज हमें परमानेंट करेगी। अगर उनसे उनके अंदर जरा भी इंसानियत है, जरा भी जमीर जिंदा है ना हमारे लिए, मेहनत कश वालों के लिए, तो वो करेगी हमारे लिए। अगर जमीर जिंदा नहीं है तो हम भी जमीर भूल जाएंगे और फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसी वीर धरती से पैदा हुई है रानी लक्ष्मी की बाई, और हर महिला शक्ति में रानी लक्ष्मी बाई जिंदाबाद है। अरे उस टाइम तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, आज हमें पता नहीं था, हमारे शहीद होने वालों ने नहीं पता था कि हमें अपनों से लड़ना पड़ेगा। शर्म की बात है कि इनको तनिक भी शर्म नहीं आती इतनी घिनौनी हरकत करते हुए। और हम 21 अगस्त को और 25 जुलाई को भी आपसे पहले 2 धरने कर चुके हैं हमारी पर्यटक गाइड मांगों को लेकर। हमारी विभिन्न मांगें हैं मुख्यमंत्री गहलोत जी एवं राजस्थान सरकार से, हम सरकारी कार्मिक विभाग में शामिल होकर मासिक वेतन लेना चाहते हैं। पर्यटक गाइड एक हमारी जो भर्ती हुई थी वो सरकारी प्रक्रिया के तहत हुई थी, पूरी प्रोसेस एक गवर्नमेंट प्रक्रिया के तहत हुई थी। हमने एग्जाम दी, उसके बाद हमसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया, एक एफिडेविट लिया गया। एफिडेविट के अंतर्गत ये था कि हम ना तो अदर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं ना कोई प्राइवेट जॉब कर सकते, और इसके अंतर्गत अब हमें सरकार से 1 रुपये भी सैलरी प्राप्त नहीं होती, ना हमको सरकार के द्वारा कोई सुविधा प्राप्त हो रही है, ना कोई मासिक भत्ता वगैरह प्राप्त हो रहा है। इस कारण हम सरकार से मांग करते हैं कि हम जो 15 से 20 हज़ार जो भी स्टेट लेवल हैं, लोकल लेवल जो भी गाइड हैं, उनको सरकार कार्मिक विभाग में शामिल करके स्थायी नियुक्ति दें, मासिक वेतन करें। गाइड हैं जो राजस्थान की कला संस्कृति, यहाँ का इतिहास कल्चर सबके बारे में हम जो विदेशों में प्रचलित कर रहे हैं उनमें अहम भूमिका गाइड की है। हम हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, देश की छवि के संस्कृति के बारे में बताते हैं, यहाँ राजस्थान की संस्कृति के बारे में बताते हैं, विदेशों में हमारी पहचान बढ़ती है, वो उसमें अहम भूमिका गाइड की होती है। और गाइड को अगर सरकार के द्वारा ऐसा 1 भी रुपये नहीं मिलेगा, ना उनके द्वारा कोई सरकारी भत्ता वगैरह, ना कोई सुविधा मिलती। सरकार से पहले हम आपसे पहले धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिल चुके, कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी से मिल चुके, अन्य 8 से 9 मंत्रियों की डिजायर भी लिख चुके, वो उन्होंने अपना रेस्पॉन्स दिया कि आप इनके बारे में सोचिए और इनको सरकारी कार्मिक विभाग में शामिल करें। बट आपसे पहले हम जॉइंट सेक्रेटरी ललित जी से मिले हैं, पहले 2 बार उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें रेस्पॉन्स दिया था कि हम विभाग में बात करेंगे, लेकिन हमें वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। 2 महीने हो गए हमको इन संघर्ष करते हुए, 7 दिन का टाइम देते हैं हम, 20-20 दिन का टाइम लेके चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ना तो विभाग से ना CMO से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। उसके बावजूद हमें ये तीसरा धरना देना पड़ रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से, हम राजस्थान कांग्रेस सरकार से निवेदन करते हैं कि गाइड जो एक अहम भूमिका निभाते हैं इस देश के अंतर्गत, इस राज्य के अंतर्गत, उनको आप कार्मिक विभाग में शामिल करें एवं मासिक वेतन प्रदान करें। मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमने मई में फॉर्म भरे थे, वो भी सरकारी प्रक्रिया के आधार से भरे थे, फिर हमारा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद हमारी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग होने के बाद हमें लाइसेंस जारी हुआ, फिर भी हमें कोई स्थायी नियुक्ति नहीं दी गई, क्योंकि इसमें यह रहता है कि हमें पुलिस वेरिफिकेशन दिया था हमने और लिखित में हमने स्टाम्प पे लिखा था कि हमें और कहीं जगह नौकरी नहीं करनी है। अब सीजन क्या रहता है कि सीजन में 12 महीने में 4 महीने सीजन चलता है,
चार महीने में इतने पर्यटक आते हैं कि मान लो कि चार महीने में आदमी कितना कमा लेगा, कोई स्थायी वेतन नहीं है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी स्थायी नियुक्ति दी जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है और हमारे पीछे कम से कम 7.5 लाख वोट बन रहे हैं। हम वोट उसी को देंगे जो हमें स्थायी नियुक्ति देगा, क्योंकि हमारा पर्यटन विभाग का जो काम है वो दो देशों को जोड़ने का काम है। जब हमसे इतनी आय, विदेश से इतनी आय हो रही है, हमारे द्वारा ही हो रही है, जब हमें कोई स्थायी वेतन नहीं दिया जा रहा है तो फिर मतलब क्या निकलता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब इन्होंने स्टाम्प पे लिखवा लिया अभी और जगह कहीं नौकरी नहीं करनी है, चार महीने काम मिलता है, चार महीने वो भी नाम मात्र काम मिलता है, कई कई जगह तो टूरिस्ट गाइड भी नहीं आते हैं, हमें कोई स्थायी वेतन या कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, और हमें लिखित में ले लिया कि और जगह कहीं काम नहीं करना है, आप स्थायी हो गए, आप यहीं काम करो। स्थायी कहाँ हुए, स्थायी वो होते हैं जहाँ सैलरी कुछ भत्ता वेतन कुछ मिले, वो होता है स्थायी। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी स्थायी कर दिया जाए, वरना इलेक्शन का टाइम है, हमारे कम से कम 7.5 लाख वोटों का नुकसान है अगर हम वोट उसी को देंगे जिससे हमें स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। आज सर हम यहाँ पे इसलिए लिखते तो हैं कि हमारे को कार विभाग में शामिल किया जाए, क्योंकि गाइडिंग में सबको लाइसेंस तो बांट दिया पापड़ की तरह, लेकिन काम ही नहीं है। अब काम ही नहीं है तो हम सब क्या करें। पहले से ही टूरिज्म डिपार्टमेंट में बहुत सारे गाइड भरे पड़े, नहीं को और लाइसेंस बांट दिया, अब काम ही नहीं है तो क्या करें हम। इसलिए कार विभाग में शामिल किया जाए। सर देखो, हमने 3 बार धरना दे दिया, तीसरा धरना है ये हमारा, और इसमें क्या है कि हमारे सामने बहुत बड़ी दुविधा हो गई। जो भी मैन्यूमेंट से मैं अलवर से विलोम करता हूँ तो भानगढ़ जाता हूँ, तो वहाँ सप्ताह में केवल 2 ही यानी संडे और सैटरडे को ही टूरिस्ट आता है, उसके बाद में देखो कोई रोजगार नहीं है, और उसमें भी 1500 रुपये से घर नहीं चलता है। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम हमें स्थायी मांग करके और कम से कम स्थायी कार्य करके हमें मानदेय दिया जाए। हमारी फर्स्ट मांग यही है, क्योंकि हमारे साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे एग्जाम हुई, पुलिस वेरिफिकेशन सारा काम हुआ, इसके बावजूद भी हमें स्थायी वो नहीं कर रही है, हमें स्थायी नहीं कर रही गवर्नमेंट। इसलिए मेरे सरकार से यही अनुरोध है कि हमें कार्मिक विभाग में शामिल करके और एक तरह से हमें तनख्वाह दी जाए, ताकि हमारा भी परिवार का भरण पोषण हो सके और हम भी सक्सेस हो सके। और हमारी सरकार से आज ये धरना प्रदर्शन है, हमारी सरकार से मांग है कि हमको सभी को कार्मिक विभाग में जोड़ा जाए और हमारे को मासिक वेतन दिया जाए। हमारा इससे कोई वो नहीं होता है, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। हमारे को लाइसेंस तो दे दिया है लेकिन हमें कोई जॉब नहीं है। अभी लाइसेंस लेके हम ऐसे गले में लटका के इसको घूमें क्या, बताओ आप, हम इसको घूमें क्या? ऐसे नहीं होता है। हमारे को कार्मिक विभाग में जोड़ा जाए और हमारे को मानदेय कुछ दिया जाए मासिक। देखिए, सरकार से मांगे इस तरीके से है कि 2022 में विज्ञप्ति निकाल के हमको गाइड का लाइसेंस तो दे दिया, लेकिन एक युवा को शिक्षित बेरोजगार बना के छोड़ दिया, क्योंकि इतनी डिग्री होने के बाद भी पढ़े लिखे गाइड आज हम बेरोजगार हैं। पर्यटन विभाग से सरकार को 18% रेवेन्यू तो मिल रहा है, लेकिन एक पर्यटन विभाग का ही एक अभिन्न अंग एक गाइड, जो इनकी पूरे देश विदेशों से आने वाले सैलानियों को परिचित करवाता है, अपने पर्यटन विभाग की रीढ़ की हड्डी है, वो आज बेरोजगार घूम रहा है, दर दर वो भटक रहा है, क्योंकि पर्यटकों की इतनी ज़्यादा संख्या नहीं आ रही कोरोना के बाद में, लेकिन गाइडों की संख्या इतनी हो गई कि काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। 4 महीने काम मिल पाता है और 12 महीने से 4 महीने काम मिलने के बाद में बाद के दिनों में वो बेरोजगार ही है। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षित को बेरोजगार बना के छोड़ दिया, एक एफिडेविट भी ऐसा ले लिया कि किसी दूसरे विभाग में हम काम नहीं कर सकते, तो फिर हम कहाँ जाएँ। गहलोत सरकार अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम इस चुनाव में उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे।